तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर बैक इन द व्लॉग। तो आपने पिछले व्लॉग अगर नहीं देखा है तो देखा है, जिसमें मैंने अपना साफ किया था अपना एक्वेरियम। तो पिछले व्लॉग में ये हुआ था कि आज मैं दो दो व्लॉग्स डलेंगे ही डलेंगे, ताकि आज एक काम हुआ है कि हम जा रहे हैं मिर्फा बीच। पिछले व्लॉग में मैंने किया थी एक्वेरियम की सफाई, वो व्लॉग देख लेगा, लाइक और सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन भी दबा देगा। और क्या नाम लेते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मिर्फा बीच। अब मिर्फा बीच कोई आम बीच नहीं है। मिर्फा बीच में ऑफकोर्स एक बीच तो है वो, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज़ है जो किसी अदर बीच में नहीं है, वो है एक मैंग्रोव ब्रिज। इधर उसकी फ़ोटो आ रही होगी, आप लोग देख लेगा इधर या इधर या इधर, जहाँ भी मुझे एडिटिंग करते हुए जगह मिलेगी वहाँ पे ना उसकी फ़ोटो आ रही होगी, तो उसको देख लेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मिर्फा बीच दिखाता हूँ आपको, बस तैयार श्यार होते हैं घर जाके, ताकि हमें निकलना है एक घंटे में। और घर में अभी ना वीकेंड है तो सब सो रहे हैं। और हमने एक और चीज़ ली है मिर्फा बीच के लिए, जो है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी खाएंगे मिर्फा बीच में, इतना मज़ा आएगा। तो अब बस मैं अपने पापा का वेट करूँ, वो ऑफिस से घर आएंगे, ताकि उनकी ड्यूटी थी आज, उनकी छुट्टी कल होती है। हाँ, तो अब वो ऑफिस से आएंगे, अब हम लोग निकलेंगे मिर्फा बीच के लिए। तो गाइस मैं अभी हो गई तैयार, तो अब बस निकलते हैं उधर मिर्फा बीच के लिए। मिर्फा बीच में वही जो मैं आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट का कह रहा था, वो मेरा बहुत अच्छी जगह है, वो उधर मैंने जाने जाने, वो एक फ्री जगह है, बहुत मज़े की जगह है वो। उस ब्रिज में क्रैब्स आपको देखने को मिलते हैं, वो ब्रिज इतना मज़े का होता है ना, तो मैं आप लोग उधर आप लोगों को दिखाऊँगा मैं, अगर गए तो, अगर ना गए तो क्या हो सकता है। तो गाइस अभी ना हम लोग जा रहे हैं हमारे भाई वगैरह को बुलाने, ताकि मैं लाइट ऑन करके हम भूल गया, ताकि हम लोग निकल रहे हैं मिर्फा के लिए। मैं हो गया हूँ तैयार, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बोला है और वो लोग भी हो गए हैं तैयार, तो बस उनको बताने जाते हैं कि हम लोग हो गए रेडी और आप लोग आ जाएँ। ये तो सलार की प्रॉम है, तो अब इनको बेल दे देते हैं। मेरा फ़ोन गाइस इधर टूटा था, इधर गिरा था, मतलब हम लोग ना मिर्फा बीच तो पहुँच गए। ये देखें, हम लोग मिर्फा बीच पहुँच गए। मैंने गाड़ी की वीडियो मैंने रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन मैंने गलती से ना डिलीट कर रहा था अपनी पुरानी वीडियोस, तो मैंने गलती से उसकी भी डिलीट कर दी। तो अभी मैं आ गया हूँ मिर्फा बीच, तो बस मिर्फा बीच को एक्सप्लोर करते हैं, उस ब्रिज में शायद जाए शायद ना जाए, ताकि बाहर हो गया अंधेरा, लेकिन टिकट तो फ्री है, अगर जाना है तो चले जाऊँगा मैं अकेले ही। तो इन लोगों का ना फोटोशूट वगैरह हो रहा था, तो अब बस हम लोग चलते हैं बीच के अंदर एक्सप्लोर वगैरह करते हैं। और पहले लोकेशन तो ये पार्क है, फिर हमारे पास इस साइड पे आ गया ये पेंटबॉल और लेज़र टैग का वो। हम लोग इधर लास्ट टाइम गए थे, लेकिन मैं पेंटबॉल में नहीं गया था, ताकि मैं पेंटबॉल से बहुत डरता रहा। और ये आ गया बास्केटबॉल कोर्ट और फुटबॉल कोर्ट। हम लोग ना ब्रिज की तरफ आ गए, वो रहा ब्रिज, अब ब्रिज की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो ब्रिज है क्या। तो वैसे हम लोग ना मैंग्रोव फॉरेस्ट आ गए हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का स्टार्टिंग है, लेकिन सुबह में जो मज़ा आता है ना, ताकि अभी ना पानी नहीं देखेगा। तो वैसे आज वैसे भी फ़ोन का अच्छा दिन नहीं रह रहा, तो पानी है नीचे, मुझे अपना फ़ोन ना संभालना है। ये सारे मैंग्रोव ट्रीज हैं, अभी फ्लैश लाइट के साथ भी ये दिख नहीं रहा, इतना अंधेरा इधर। ये सारे वो हैं, और इधर हिरन वगैरह भी फिर रहेंगे, अरेबियन ओरेक्स, ये वही है ना अरेबियन ओरेक्स वाली जगह। तो आज अगर दिन में आते ना, मैं आपको दिखाते थे क्रैब्स वगैरह होते हैं, हिरन वगैरह होती है, वो मैं आप सबको दिखाता। दूसरे पॉइंट में आप लोग आ गए, ये था वो लैंड एरिया, अब ये आ गया पानी वाले एरिया। पानी वाले एरिया में आप होंगे क्रैब्स वगैरह और मेरीन लाइफ, तो आप बस वो लोग वो देखते हैं। हमें तो सही तो नहीं दिख रहा था फ्लैश लाइट ऑन करने, लेकिन आप लोगों को पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। मैंने तो ये तीन चार दफ़ा देखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ था कि हमारे पाकिस्तान से ना गेस्ट आए हैं, उनको दिखाना था, लेकिन गंदी बात ये है कि हम लोग आए हैं रात में, मसला ये रात में इतना स्केरी वाइब्स दे रहे हैं, मतलब हॉन्टेड वाइब्स, मतलब हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन करें। तो गाइस हम लोग पानी वाली, अरे अभी भी इधर वही है सैंड वगैरह, पानी वाला एरिया तो उधर से, वो जो वो पहले एरिया नहीं है, और जो उधर जहाँ पे मैं पॉइंट करूँ वहाँ पे पहले होता था, तो
अब तो इधर तो पानी है ही नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा। बस अभी ना हम लोग अब वापसी के लिए निकल रहे हैं, इधर बहुत ज्यादा अंधेरा रहा, कुछ दिख नहीं रहा था, तो शायद अगली दफा भी आए हम लोग देखने के लिए, ताकि जो हमारे पाकिस्तान से गेस्ट आए उन्होंने भी देखना ही होगा, तो हम लोग बाद में आके देखेंगे। अभी तो बस यही मिट्टी शिट्टी दिख रही हो रही है, पानी पानी इतना भी है छोटा सा, बस ये साइड पे थोड़ी सी मिट्टी है, ये पानी वानी लगा हुआ है थोड़ा सा, इधर कुछ भी नहीं होगा। और ये अभी दूसरी साइड नहीं, उधर फुल पानी होगा, उधर तब अगली दफा आएंगे ना वो आपको वाला एरिया दिखाएंगे। हम लोग ना खाने वगैरह के लिए ऑरेंज वगैरह लाए, और ये कोल्ड ड्रिंक है, बिरयानी है, और बहुत सारे कुछ है, ये कोल्ड ड्रिंक आ गई है सारी, और फिर वो बिरयानी है, और फिर वो फ्रूट्स वगैरह भी हैं, ये कुकुम्बर कैरेट और क्या कहते हैं गुआवा भी है, बोरा गुआवा। ये आ गई हमारी बिरयानी, अब इस बिरयानी को ना ट्राई करके खाते हैं। बहुत गर्म है लेकिन मजे की है, स्पाइसी स्पाइसी बिरयानी। बीच व्यू तो कह नहीं सकते, मतलब शॉप व्यू, ये सारी जगह बनी हुई है बैठने की, वैसे बैठने की जगह तो नहीं है, ये लोगों ने बनाई हुई है खुद, ताकि और भी लोग बैठे हैं, तो हम लोग भी इधर ही, हमने ना चादर वगैरह बिछा के बैठ गए। मैंने अभी ले लिया स्लश, अब इसको ना ट्राई करते हैं स्लश को, मजे का, ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग, कूल हो गया हूँ मैं, बहुत मजे का स्लश है यार। अब बस चलते हैं स्लश को एंजॉय करते हैं, ये रेसबेरी और ब्लूबेरी दोनों मिक्स है, तो बहुत मजे का स्लश है ये। मेरा मुंह का कलर चेंज हो रहा है इधर से स्लश की वजह से। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए, रवेश को बिरयानी शिरयानी तो खा ली थी, स्लश स्लश पी लिया था, तो अब बस निकल रहे हैं रवेश की वापसी के लिए, तो अब रवेश पहुंचते हैं और बस फिर से बिरयानी खाएंगे, ताकि मैंने पेट भर के नहीं खाया, उधर लाइट वगैरह नहीं थी, और कुछ और भी शायद खाएंगे। तो गाइस अभी ना हम लोग घर तो आ गए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, थोड़े रेस्ट, मैं आप लोगों को सुबह मिलता हूँ, अगले ब्लॉग में मिलता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन भी दबा देगा, अल्लाह हाफ़िज़।